वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं ये वाला लुक क्रिएट करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। तो मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है एंड इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का फ्लॉलेस 4 पैलेट यूज़ किया है। तो इसमें से जो ये कुछ शेड्स थे वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए। सो इस पैलेट में जो एक ब्लैक शेड था, ये फ्लॉलेस 4 वाला ये वो उसका कवर था। तो ये जो ब्लैक शेड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वो थोड़ा सा पैची था, मुझे ये पहले पता नहीं था बिकॉज मैं इसे फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। तो वो पैची था एंड ब्लेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट स्टिल समहाउ आई गॉट दिस लुक। सो आई होप कि आप वो ध्यान में रखेंगे एंड आपके पास कोई सा भी ब्लैक कलर हो आप यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी शेड हो आप इजीली ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही वाला पैलेट यूज करना है एंड मैंने इसे पेयर किया है ये रेड लिप के साथ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा एंड बहुत सारे आपके आउटफिट्स पे ये वाला लुक जो है वो एकदम परफेक्ट रहेगा। बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो रेड कलर के बटन को हिट कर देना एंड उसके बाद जो मैं बेल भी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे मैं पूछ सकती हूँ आपने अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? अगर आप आते हो, मेरे वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, वो तो एकदम फ्री है ना। सो अभी बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैं ये मैलियो का प्राइमर यूज कर लूंगी। प्राइमर के बाद हम आज डायरेक्टली आई मेकअप करने वाले हैं। सो उसके लिए हाफ एंड हाफ का 2-in-1 कंसीलर प्लस प्राइमर यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही लाइट है सो आई थॉट एज आई प्राइमर ही काम आ जाएगा। आईज़ के लिए मैं ये फ्लॉलेस 4 पैलेट यूज़ करूँगी एंड इसमें से ये वाला शेड मैं अपनी आईलिड्स को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं ये ब्राउन शेड अपनी क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी एंड देन मैं ये छोटे ब्रश के साथ ये ब्लैक शेड यूज़ करूँगी। और ये ब्लैक शेड काफ़ी पैची था एंड मुझे ये पहले पता नहीं था बिकॉज मैंने ये फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया था, बट समहाउ आई मैनेज टू ब्लेंड इट एंड मैं इसे ही लोअर लैश लाइन पे भी लेके जाऊँगी। नेक्स्टली अगेन मैं ये ब्राउन शेड ले लूँगी एंड इस ब्लैक को ब्लेंड कर दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पैची लग रहा था। एंड मैं सेम ब्राउन शेड को अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लेके जाऊंगी। इसके बाद मैं ये जो ब्लैक शेड था उसे वापस बिल्ड कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट हो गया था। एंड उसके बाद आईलिड के लिए मैं ये सिल्वर शिमरी शेड यूज़ करूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड ये शिमर शेड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो मैं इसे सेंटर ऑफ लिड पर ही अप्लाई करूँगी सिर्फ। एंड नेक्स्टली मैं अगेन ब्राउन शेड ले लूँगी ताकि मैं अच्छे से ब्लेंड कर सकूँ। एंड उसके बाद मैं ये वाइट शेड ले रही हूँ, इसमें सिर्फ थोड़े से ही शिमर्स है तो मैं इसे इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं ये लैक्मे का लाइनर यूज़ कर लूँगी एंड मैं इसे छोटा सा विंग लाइनर अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल लाइनर अप्लाई करूँगी एंड मैं जस्ट उसे एक्सटेंड कर रही हूँ एक छोटी सी विंग। उसके बाद काजल के लिए मैं ये स्टेक वर्की का काजल यूज़ करूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एंड पिगमेंटेड है, जस्ट मुझे थोड़ी सी लॉन्जिटिविटी अच्छी नहीं लगती। तो मस्करा के लिए मैं एसेंस का ये मस्करा अप्लाई कर लूँगी। तो अब हमारा आई लुक हो गया है एंड फाउंडेशन के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन यूज़ कर लूँगी। इसमें मेरा शेड है गोल्डन बेज और ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है एंड एक बफिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर के लिए मैं ये एसेंस का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे फेस को हाईलाइट करना है एंड इसे भी एक ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर दूंगी। तो अब फेस को सेट करने के लिए मैं ये लॉरियल का कॉम्पैक यूज़ करूँगी, लॉरियल मैट मैजिक, एंड फ्लफी ब्रश की हेल्प से पूरे फेस को सेट कर लूँगी मैं। अभी हम ब्राउज कर लेंगे बिकॉज अगेन मैं ब्राउज करना भूल गई थी। तो उसके लिए मैं वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है तो आप मिस्टेक्स कर सकते हो।
एंड वापस फेस पे मूव करते हैं, तो मैं सिवाना का अल्ट्रा ब्लश पैलेट में से ये कॉन्टोरिंग शेड ले लूँगी एंड अपने चिक बोन्स को कॉन्टोर कर लूँगी। उसके बाद अपनी जॉ लाइन को भी एंड अपने नोज को। सेम पैलेट में से मैं ये पीची सा ब्लश ले लूँगी एंड मैं एकदम स्लाइटली ये ब्लश जो है अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ करूँगी। ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही थी, मैंने जैसे इसे स्वॉच किया था, तो मैं आपको भी एक स्वॉच दे देती हूँ। मुझे कोई एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा गोल्डन ही हाइलाइटर चाहिए था जस्ट फॉर फन एंड जस्ट टू ट्राई आउट, तो मैं इस ब्रश के साथ ले लूँगी एंड अप्लाई कर लूँगी। तो फर्स्ट लेयर में मुझे इतना नहीं मिला हाइलाइटिंग इफेक्ट एंड आपको इसे लेयर करना पड़ता है अगर आपको एकदम ब्लाइंडिंग सा ग्लो चाहिए तो। सो मैंने इसे लेयर ही किया है एंड उसके बाद आप देख सकते हो मुझे काफ़ी अच्छा ग्लो मिला एंड ये बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं है। तो लिपस्टिक के लिए मैं स्टेक वर्की की ये लिपस्टिक यूज़ करूँगी इन द शेड हॉट इन एवरी लैंग्वेज, और ये भी एक काफ़ी अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है। गाइज दिस इज द फाइनल लुक एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो दिस न्यू ईयर के लिए ये लुक एकदम परफेक्ट रहने वाला है, सो आप इजिली ये कैरी कर सकते हो एंड ये बहुत सारे आउटफिट्स पे आपका जाएगा। सो आई हैव ट्राइड कि मैं ब्लैक कलर को इंक्लूड कर पाऊँ बिकॉज ये मेरे आउटफिट में भी है एंड मे बी आपके आउटफिट में भी हो सकता है एंड ब्लैक इज़ अ कलर जो मोस्टली सारे आउटफिट्स पे जाता ही है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड हेल्पफुल रहेगा। सो अभी मिलते हैं कोई और लुक के साथ एंड टिल देन टेक केयर।